बीजेपी नेता अरुण जेटली ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए बड़ा बयान दिया। अरुण जेटली ने कहा कि राहुल गांधी ने राष्ट्रीय मैंक्रो के साथ बातचीत की कहानी गढ़कर अपनी खुद की विश्वसनीयता को कम किया है और विश्व के समक्ष किसी भारतीय राजनीतिज्ञ की छवि को गंभीर नुकसान पहुंचाया। आपको बता दें, बीते शुक्रवार को लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान राहुल गांधी ने राफेल मामले पर पीएम मोदी को घेरते हुए कहा था, उनकी बात फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से हुई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि हमारे कोई भी ऐसा नियम नहीं है जो वो नहीं रखा जाए। राहुल ने कहा कि फिर पीएम मोदी राफेल मामले पर इतना क्यों डरते हैं और वो सच क्यों नहीं बताते। यह हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि काफी देर तक राहुल गांधी ने संसद में राफेल डील पर भाषण दिया था और उसके बाद उन्होंने कई और मुद्दों पर पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन गौर करने वाली बात तो है कि भाषण खत्म होने के बाद राहुल गांधी जिस तरह से अपनी सीट से उठकर पीएम मोदी के गले लगे थे, उससे राहुल गांधी पर सियासत शुरू हो गई थी। SPN9 न्यूज़रूम की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।